कौन है ये नागा साधु, कहाँ से आते हैं और कुंभ खत्म होते ही कहाँ चले जाते हैं। तो ऐसे सवाल जो हर किसी के मन में आते हैं और इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो आइए हम आपको बताते हैं हिंदू धर्म के इस बड़े रहस्य का पूरा सच। जैसा कि नागा शब्द से साफ पता लग रहा है कि नागा वंश और नाग जाति से है, और वंश में शैव मतलब भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। ये बहुत सारे अखाड़ों में रहते हैं जिनकी परंपरा जगत गुरु आदि शंकराचार्य की तरफ से की गई थी। नागा साधु आम जिंदगी से अलग जीवन जीते हैं। नागा के बारे में कहा जाता है कि दुनिया भले ही अपना रंग रूप धारण बदल ले, लेकिन शिव और अग्नि के भक्त हमेशा इसी स्वरूप में रहते हैं। कुंभ मेले में इनको देखने के लिए लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ उमड़ती है, और ये शाही स्नान के वक्त ही लोगों के सामने आते हैं। आमतौर पर ये मीडिया और बाकी लोगों से दूर बने रहते हैं। आपको बता दें, एक नागा साधु बनने में तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर एक नागा बाबा बनता है। SBN News Room की रिपोर्ट।